तो भाई लोग कैसे हो आप सभी लोग, तागा मैं कौन नई वीडियो में आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं समुराई विजियंस 2। अब ये काफ़ी ज़्यादा मजेदार समुराई गेम है जिसको कि मैंने लास्ट टाइम खेला था। इसका मैंने चैप्टर 1 कंप्लीट किया था जिसका के नाम था पनिशमेंट। तो आज हम इसके खेलने वाले चैप्टर 2 जिसका के नाम है बंडिस रन। और रन से पता चल रहा है कि भाई इसमें अपने को दौड़ना वगैरह होगा या फिर जो अपना अपोनेंट होगा वो दौड़ेगा, तो क्या कुछ होने वाला है ये तो स्टार्ट करके पता चलेगा। तो मैंने गेम को कर दिया स्टार्ट और ये होने वाला है इसका चैप्टर 2। तो चल के देखेंगे कैसा होने वाला है। बाकी गेम काफ़ी ज़्यादा मजेदार है। तो यहाँ पे कुछ पावर वगैरह भी अपग्रेड करने का सिस्टम है जो कि मैंने अभी चेक किया है। तो इससे मैंने यहाँ पे अपनी हेल्थ तो अभी अपग्रेड कर ली है और यहाँ पे अभी अपग्रेड हुई नहीं है, खाली दिख रही है, बट आगे चल के हो जाएगी अपग्रेड। ओके, तो यहाँ पे मैंने एनिमीज की फर्स्ट वेव को तो कंप्लीट कर दिया है, बट मुझे नहीं पता कि मेरी हेल्थ अब फुल कब होगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी। देखो एनिमीज ने काफ़ी ज़्यादा मेरी हेल्थ ले ली है। तो अगर ये जल्दी से फुल ना हुई ना तो भाई मेरी हालत ख़राब हो जाने वाली है, क्योंकि अभी एक बार भी मुझे डैमेज लगा तो शायद मेरा काम यहीं पर तमाम हो जाएगा और फिर मुझे यहाँ पर स्टार्टिंग से खेलना पड़ेगा। तो मैं नहीं चाहता कि मुझे स्टार्टिंग से खेलना पड़े। अब एक को तो मैंने बीच में से काट दिया, यहाँ पर आगे एक और बंदा है। अरे धनुष बाण वाले काफ़ी अलग हैं। ये ना गाइस दूर से ही मार देते हैं इसलिए इनसे काफ़ी ज़्यादा मुझे खतरा है दूर से ही मारने वालों से, क्योंकि अगर कटाना वाले रहेंगे तो वो तो पास आके लड़ेंगे, बट भाई ये दूर से ही काम तमाम कर देंगे। तो पहले इनको मारना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। यहाँ से मैंने एक बॉक्स को हटा दिया जो कि मुझे पता है उस टाइप जाके वहाँ पर जाके बैठ जाएगा, जिससे कि मैं आगे जाके उस लीवर को पुल कर पाऊँगा। चलो तो मैं यहाँ पर पहुँच गया। ये वही बॉक्स है जिसको मैंने उधर से धक्का दिया था और ये इस तरफ बैठा चुका है। और अब ये बुल कितनी बढ़िया तरीके से गाइस यहाँ पे स्ट्रेट हो गया, पहले ऊपर की तरफ था, यहाँ पे इसको मैंने नीचे कर दिया और अब मैं आगे की तरफ जा सकता हूँ। ये रास्ता मेरा ओपन हो चुका है आगे जाने का। काफ़ी बढ़िया है चैप्टर 2 भी बंडिट्स बन। ओके यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा आराम आराम से चलना है वरना भाई ये मेरे अंदर ही घुस जाएगा, समझ रहे हो ना, नीचे से, इसलिए बचना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। मैं इससे बच बच के जाऊँगा, बिल्कुल भी जल्दीबाजी नहीं करूँगा, काफ़ी आराम से जैसे ये नीचे जाता है वैसे ही निकलता हूँ। देखो अभी यहाँ से तो मैं काफ़ी इजीली बच गया हूँ, यहाँ मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है, बट आगे देखते हैं यहाँ मेरी फाइट होने वाली है। यहाँ पे मैंने एनिमीज़ की सेकेंड वेव को तो कंप्लीट कर दिया, बट भाई काफ़ी अच्छी बात है कि मेरी यहाँ पे हेल्थ फुल हो चुकी है, और अगर मेरी हेल्थ फुल नहीं होती ना तो मैं शायद उनको कंप्लीट नहीं कर पाता, नहीं मार पाता मैं उनको, बट अभी हेल्थ की वजह से फुल होने की वजह से मैंने उनको मार दिया है और मेरी हेल्थ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुकी है। भाई ये काफ़ी ज़्यादा हेल्थ लेते हैं यार, अगर मैं सबसे टकरा जाता ना तो मेरा काम यहीं पर तमाम हो जाता, वो तो कैसे तैसे करके मैं बच के आगे बढ़ चुका हूँ। और शायद यहाँ पर मुझे थर्ड वेव देखने को मिलेगी एनिमी की। और हाँ अभी यहाँ पे मेरा काम तमाम हो चुका है, क्योंकि गाइज मेरी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा कम हो गई थी क्योंकि वो जो इधर उधर चलने वाले थे हिल रहे थे उनसे ही मेरी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा चली गई थी और ये एनिमी ने मेरा काम तमाम कर दिया। अब ये नहीं बचने वाले हैं।
अभी मैं रास्ते से सबको मारते मारते यहाँ पे फिर से पहुँच चुका हूँ, और ये वही जगह है जहाँ पे लास्ट टाइम मेरी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा गई थी। इनसे बचना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, मतलब अपन पता नहीं लगा पाते कि कब आगे आ रहे हैं कब पीछे जा रहे हैं। और भाई इन्होंने काम तमाम कर दिया भाई, ब्लड कैसा निकलता है ना, बिल्कुल रियलिस्टिक ब्लड लगता है, बिल्कुल जैसे ही मर जाता है भाई वहाँ पे, थोड़ा GTA टाइप का लगता है जब ब्लड इसका निकल जाता है बिल्कुल। बट इस बार मैं काफ़ी ज़्यादा सावधानी से निकलने वाला हूँ, वेट कर करके निकलूँगा क्योंकि इसमें रुकना ही मेन है, और रन तो शायद इसीलिए क्योंकि हम रन यहाँ पे कर रहे हैं आगे की तरफ दौड़ रहे हैं, बट भाई काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है ये। चलो तो यहाँ पे मैं फिर से लीवर मुझे पुल करना जिससे ये डोर ओपन हो जाएगा जो आगे की तरफ आपको दिख रहा है, क्योंकि भाई यहाँ पे ना ये एनिमी की वेव थी जिनको कंप्लीट करने के बाद मुझे ये डोर ओपन करने का मौका मिला, और अब शायद एनिमी की 5th वेव आएगी जो कि काफ़ी ज़्यादा लार्जेस्ट होगी। ऑल राइट गेस्ट, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा देर तक फाइट करने के बाद मुझे फिर से इस लीवर को पुल करना है। बार बार यही हुआ है कि मुझे लीवर को पुल करना, आगे जाता हूँ फिर एक वेव मुझे मिल जाती है, बट ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, मतलब पहले तो स्मॉल वेव सारी थी, बट ये काफ़ी ज़्यादा इसमें एनिमीज थे, और इन सबका मैंने काम तमाम कर दिया। अभी एक और है आगे, ओके जिसका काम तमाम, और यहाँ पे शायद फाइनल बॉस आने वाला है जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पे मैंने सभी का काम तमाम कर दिया, मेरी बिल्कुल थोड़ी सी हेल्थ बची थी, बट मैंने फाइनल बॉस को भी मार दिया, और यहाँ पे उसके बाद के जो एनिमीज थे उनको भी काम तमाम कर दिया। यहाँ पे स्कोर वगैरह मेरा दिखा रहा है जो कि आप देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार गेम था, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया खेलने में। इसको Chapter 2 इसका बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था, बट मुझे वो फाइनल जो बॉस आया था ना उससे इस टाइप से लड़ना था कि वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड से मेरी तरफ आता था, तो उससे मुझे बच बच के लड़ना था। अगर मैं डायरेक्ट उसके सामने लड़ता या खड़ा रहता तो मेरा काम तमाम कर देता। तो आपने देखा कि अगर आपको Chapter 2 के सेकेंड बॉस को मारना है तो आप कैसे मार सकते हो, तो ये इसका Chapter 3 जो कि मैं खेलूँगा नेक्स्ट वाली वीडियो में, क्योंकि आज
की वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है। एक ही चैप्टर में यार 10-15 मिनट लग गया था अपने को कंप्लीट करने में, तो इसलिए आज की वीडियो को यहीं पे कर देते हैं। आई होप आपको वीडियो में आपका मज़ा अगर आया तो वीडियो कर दो लाइक, चैनल को जल्दी से कर लो सब्सक्राइब और साइड वाले बेल आइकन को प्रेस कर देना। कमेंट में जरूर से बताना कि आपको चैप्टर 2 कैसा लगा और वो फाइनल बॉस कैसा लगा जो चैप्टर 2 का बॉस था। तो ठीक है, मैं मिलता हूँ किसी और मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।